सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोग कैसे वर्डप्रेस में आई फ्रेम को फिक्स कर सकते हो। देखो ये पहले इतने सारे है ना एरर्स शो नहीं होते थे वर्डप्रेस साइट में, आजकल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आई फ्रेम का इश्यू देखने को मिलता है। देखो गाइज यहाँ पे मेरी साइट है और यहाँ पे मेरी एड्स जो इनेबल है, गूगल एडसेंस के अप्रूवल मुझे मिल चुका है। और गाइज गूगल एडसेंस के अप्रूवल मिलने के साथ साथ जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑटो एड्स को इनेबल करा, ऑटो एड्स को इनेबल करने के बाद यहाँ पे मेरी जो साइट में यहाँ पे ऑटो एड्स शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने है, यहाँ पे आपके सामने मैं प्रोसेस करूंगा और यहाँ पे मैं अप्लाई भी करूंगा, लेकिन क्या होता है ना बहुत सारे ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि आपकी साइट में इमिडिएटली एड्स रन हो जाते हैं और कभी कभी टाइम वक्त लगता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक एरर मुझे शो हो रहा है जो कि मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आई फ्रेम का इश्यू आ रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो को मैं आप सभी को है ना रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे तक देखना, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं टोटली इसको फिक्स करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप मेरे साइट पे जाते हो टेक्निकल के सब .com पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी मतलब आप सभी को आई फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा और मैंने इसको फिक्स कर लिया है। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस क्या कुछ मैं बताऊंगा, चीजों को समझना। ठीक है, फिर भी कोई अगर दिक्कतें हो रही है आपको तो प्लीज यार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, देखो गाइस पहले तो जानते हैं इसको सॉल्व करने से पहले कि ये जो प्रॉब्लम है आई फ्रेम क्यों हम सभी के बीच में ये एरर देखने को मिलता है। देखो यार ज्यादातर ब्लॉगर साइट में ये इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास वर्डप्रेस साइट है तो ये इशू आप सभी को परेशान करके रख देता है। राइट, तो दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कितने दिनों से ये इशू देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेल गाइस अब दोस्तों यहाँ पे हम सभी को एक कोड मिलता है, अगर आप एडसेंस में जाओगे या फिर गेट कोड में भी अगर आप क्लिक करते हो ना, या फिर आप अपने वर्डप्रेस के साइट पे जाओगे और वहां पे जाके आप सभी को हेड के नीचे आपको ये जो HTML कोड है इसको पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका आई फ्रेम जो है इश्यू है ये नहीं जाएगा और आपके एड्स में भी इफेक्ट पड़ेंगे, मतलब एड्स आएगा ही नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको लोग इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। देखो फिक्स करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि अपनी साइट को है ना पूरा मतलब अच्छी लुक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इसमें HTML कोड्स वगैरह ऐड कर देते हैं, है ना, ज्यादा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जितना हो सके आप लोग अपनी साइट को है ना सिंपल और क्लियर रखें। देखो मेरी साइट अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो टेक्निकल के सब .com पे विजिट कर रहे हो तो मेरी साइट कुछ अतरंगी टाइप से मैंने उसको डिजाइन करा था। ठीक है, उसको डिजाइन करने का मेन मकसद था मेरी जो वो साइट है मतलब ये जो टेक्निकल के सब .com है ये मैं इसमें ज्यादा फोकस कर रहा था, अच्छी तरीके से काम कर रहा था तो कोई भी अगर व्यूअर उसमें जाए तो वो लोग है ना अट्रैक्ट हो, तो मैंने ये सोच के करा था। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि मेरी जो होस्टिंग है, होस्टिंग की जो बेसिक प्लान आती है वो थी और यहाँ पे मेरी ज्यादा HTML कोड्स वगैरह मेरे साइट पे होने की वजह से, साइट में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से आर्टिकल भी बहुत हैं, तो इसके वजह से मेरी है ना साइट मतलब बहुत ही लेटली यहाँ पे क्या होता था रन हो रहा था, है ना, तो ये दिक्कतें हमें देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी को अगर इस से छुटकारा पाना है तो आपको कोई भी मतलब HTML कोड वगैरह, ठीक है, जो भी आपकी साइट को डिजाइन करने के लिए जो भी आप एक्सटर्नल कोड्स यूज करते हो उसको यूज ना करें। सिंपल है, हल्की थीम रहेगी, जनरेटप्रेस को यूज करो और जनरेटप्रेस को यूज करने के बाद गाइस आप बहुत इजीली आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा और आपकी साइट को अच्छी लुक्स भी देखने को मिल जाएगी। देखो जाए अभी के टाइम पे अगर आप लोग मेरे साइट पे जाते हो टेक्निकल के सब .com पे तो अभी का लुक देखो बहुत ही सिंपल है और मेरी आई फ्रेम का जो इशू है ये हट चुका है और यहाँ पे मेरी एड्स भी अभी रन हो रहे हैं अभी की डेट में, अगर आज है ना इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप जाओगे तो। ठीक है, तो मैंने इसको इसी प्रकार से फिक्स करा कि मैंने पहले तो पूरा का पूरा जितने भी HTML कोड्स थे, ठीक है, मेरे साइट में सारे के सारे कोड्स को मैंने हटा दिए। ठीक है, डिजाइन मैंने नहीं रखे हैं और हटाने के साथ साथ मेरी अनवांटेड जितने भी प्लगइन्स थे, ठीक है, फालतू के प्लगइन्स भी मैंने बहुत सारे ऐड करके रखे थे, उन प्लगइन्स को भी मैंने हटा लिया ताकि मेरी साइट में की जो स्पीड है वो कंट्रोल हो पाए। ठीक है, तो आई फ्रेम की बात करें तो आई फ्रेम को आपको अगर इसको फिक्स करनी है तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज करना है आपको कि जितने सारे कोड्स आपके साइट के अंदर है ना
अनवांटेड जो कि यूज ही नहीं है वो सारे के सारे कोड्स को हटा दो, ठीक है। लोग आपके साइट देखने के लिए नहीं, आपके कंटेंट को पसंद करते हैं, ठीक है। तो प्लीज कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करो लोगों के सामने, ना कि अपने साइट को, ठीक है। साइट आपका जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, बस आपकी जो कंटेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।